ये देखिए कूड़ा उठाने वाले कितनी तेजी से काम करते हैं। या कितनी तेजी से फेंकते हैं सामान को अंदर कूड़ा को। सारे टोक्यो इसलिए साफ रहता है क्योंकि और कितने फिट हैं ये लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। या देखते हैं गाड़ी आती है और ये सामान उसमें डालते हैं। सारा कूड़ा लोग यहीं इकट्ठा करके रख देते हैं। यानी कि कूड़ा फैलता चला जाता, फैलता नहीं है, तरह से रखते हैं कि उठाने में इनको आसानी होती है। देखेंगे ये गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, पीछे दौड़ दौड़ के जाएंगे। How fit these people are, you have to see that. What the fuck? इस गली की सफाई हो गई। इस तरह से जापान में कूड़ों का निस्तारण किया जाता है। देख सकते हैं कूड़ा उठाया जा रहा है, गाड़ी आती है। हर दिन का एक दिन बना हुआ होता है कि आज क्या फेंका जाएगा, आज किस चीज का कूड़ा चाहिए। आज ये कुछ तरह का कूड़ा है, परसों कार्डबोर्ड होगा, किसी दिन जो है सो टिन के केन, बियर केन और कोल्ड ड्रिंक्स का केन होगा, एक दिन ग्लास बॉटल्स होगा। उस तरह से उन सबकी का दिन फिक्स है। और जब से यहाँ आ गया ये सारे लोग पैदल रहते हैं। और ये देखिए इन्होंने गाड़ी में डालना शुरू किया, गाड़ी में डालते जाएंगे इस तरह से। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो प्रेस होके अंदर घुस जाएगा। और इसी तरह से ये सारे घर का सारे जितने भी घर हैं यहाँ पे उन सबका कूड़ा इसमें इस तरह से डालते चले जाते हैं। कहीं कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी। आप कूड़े को इस तरह से प्लास्टिक बैग में डाल के यहाँ पर रख दीजिए। एक निर्धारित दिन पे ये जब आते हैं उसके एक दिन पहले या रात में या सुबह में, बिफोर द कम। और आप देखते हैं इनका, क्योंकि आज बारिश हो रही है इसलिए सारे रेन कोट में है, हेलमेट भी लगा के रखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी वर्क एथिक्स है, काम का प्रोफेशनलिज्म है कि ऐसे हमें काम करना है तो ये वैसे ही काम करेंगे। इसी तरह से करते जाते हैं काम। फायर बस होल्डिंग पीपल फायर। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, लेकिन यहाँ लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लॉकडाउन नहीं है। सामने में देखिए पोस्ट ऑफिस है, ये एक पोस्ट ऑफिस है। लोग यहाँ अपना यहाँ एक इसका जापान पोस्ट का बैंक भी है।